अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फ्रॉम स्किन स्टूडेंट। टू द टॉपिक इज परम्यूटेशन। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। परम्यूटेशन इज अ मैथमेटिकल टेक्निक दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इन अ सेट व्हेन द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट्स मैटर। परम्यूटेशन में जो ऑर्डर है वो क्या करता है, मैटर करता है। अगर हमारे पास कोई भी एक सेट हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए बी सी डी, ठीक है, उन नंबर्स को हम क्या करेंगे, अरेंज करके लिख लेंगे, ठीक है, और इसमें ऑर्डर क्या करेगा, मैटर करेगा। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग परम्यूटेशंस। द जनरल परम्यूटेशन फार्मूला इज एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वे। फार्मूला क्या है हमारे पास, एन पी आर विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर एन क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। और क्या है, द नंबर ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर। Arrange in specific order. And this is factorial. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टोरियल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया था, ठीक है, उसका फार्मूला भी हमने देखा था। आज हम करे हैं परम्यूटेशन। परम्यूटेशन की डेफिनेशन देखिए, उसके बाद फार्मूला, और फार्मूले में जो हमारे पास थे एन आर एन फैक्टोरियल वो देखा। यहाँ पे एन है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, वेयर आर इज द नंबर ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर एन फैक्टोरियल। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2। एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्युएट द फॉलोइंग। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 20p3, यह है क्वेश्चन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है जो अभी हमने पढ़ा है, एन पी आर। एन पी आर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे एन हमारे पास क्या है, 20 एल, आर इज 3। पुट करते हैं, ट्वेंटी फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 फैक्टोरियल।
20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल। अब हम इसको 20 फैक्टोरियल, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने फैक्टोरियल का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, 20 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, 17 फैक्टोरियल तक, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू होती है वहाँ तक हम इसको ओपन कर लेंगे, 20 × 19 × 18 × 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल, ठीक है। कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे पास 17 फैक्टोरियल एंड 17 फैक्टोरियल, 20 × 19 × 18 मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 6840, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। सिमिलरली फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, 10P7 सॉल्यूशन, 10P7 इक्वल टू फॉर्मूला हम लिख लेंगे, फॉर्मूला लिखने से इजी हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। टेन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 10 × 9 8 7 6 5 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, 10 × 9 8 7 6 5 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 604800। ये आ गया हमारे पास आंसर। फिफ्थ पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, 9P8 सॉल्यूशन, 9P8 इक्वल टू NPR विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस r फैक्टोरियल। नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 − 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 9 × 8 × 7 6 5 4 3 2 × 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 6 2 8 0। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने किया है क्या, परम्यूटेशन की डेफिनेशन, जनरल फार्मूला, फिर उसके बाद जो फार्मूले पे जो भी हमारे पास म्यूटेशंस यूज़ हो रही थी उसको देखा, फिर हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट जो है वो सॉल्व किए हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।